जय श्री माता जी। आज मैं आप लोगों को अपने साथ घटित हुआ एक मिरेकल शेयर करना चाहती हूँ। श्री माता जी, असीम अनुकंपा और प्रेम की सागर है। हमारे जीवन में छोटे छोटे जो पल आते हैं उनमें श्री माता जी हमें सिखा देती हैं कि वो हमारे कितने करीब हैं और हम श्री माता जी के बालक हैं। आज श्री गुरु पूजा, आदि गुरु पूजा का महोत्सव का आज पूजा का दिन था और आज मैं सुबह जल्दी उठी और बड़े उत्साह से मेरे मन में बड़ी उमंग थी कि आज पूजा का दिन है और मैं पूजा के लिए उठते ही सूर्य भगवान को जल अर्पण करने खेतों में गई। जैसे ही जल का जब मैंने लोटा भरा पानी से तो मैंने आसमान की तरफ देखा तो वहाँ घने बादल छाए थे। मेरे मन में आया कि अरे आज मैं सूरज भगवान को जल कैसे दूंगी, बादलों में तो पूरे बादलों से तो सूरज को ढक दिया है तो अब जल मैं कैसे दूंगी। ये सोच के बस मैं मुड़ी ही थी कि मैंने देखा धीरे धीरे बादल छटने लगे और दूर से एक चमकता हुआ सूर्य बादलों में से उदय हुआ और जैसे ही मेरी नज़र पड़ी कि अरे ये क्या, सूरज भगवान तो दर्शन दे रहे हैं। और मैंने फटाफट लोटे से धीरे से प्रेम भाव से सौहार्द से जल अर्पण किया। जल अर्पण करने के बाद मैंने देखा वापस बादल एक पर्दे खिड़की के ऊपर जैसे पर्दा होता है जिसे खोलते हैं और वापस ढक देते हैं, उसी तरह बादल आए और उन्होंने सूर्य भगवान को ढक दिया। उसी वक्त मेरा छोटा बच्चा एक 7 साल का जिसका नाम मारुति है वो उठ के आया और बोला मम्मी आप क्या कर रही हो। तो मैंने कहा बेटा मैं सूर्य भगवान को जल ऑफर कर रही हूँ, जल अर्पण कर रही हूँ। उसने कहा क्या मैं भी करूँ। तो मैंने उसको बोला हाँ बेटा मुँह धो लो और सूर्य भगवान को जल तुम भी अर्पण करो। तो जैसे ही वो लोटा भरने के लिए नल की तरफ गया और मैंने देखा अरे ये क्या, बादल तो सारे वापस छा गए, सूर्य भगवान तो है ही नहीं। जब वो लोटा भर के जैसे ही आया केतु की तरफ तो ये क्या, वापस बादल खुलने लगे और सूर्य भगवान फिर चमकने लगे। इस घटना को देख के मैं इतनी हैरान हो गई कि ये क्या, हम सहयोगियों के लिए सूर्य भगवान बादलों को पर्दे की तरह हटा के बाहर आ रहे हैं। और इस छोटे से इंसिडेंट से मेरा मन इतना प्रफुल्लित हो गया और मैंने मन में सोचा कि माँ हमारी कितनी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखती हैं, इतना प्रेम करती हैं हमसे। और बस उसके बाद मैंने खेतों में माँ के लिए फूल तोड़े, मुझे माला बनानी थी, बहुत सारे मीठे मीठे सुंदर सुंदर पीले रंग के फूल, गुलाब के फूल मैंने इकट्ठे किए। और उसके बाद मेरा बेटा मारुति और मैंने, हम दोनों ने मिलकर बड़े खुशी मन से श्री माता जी के लिए माला बनाई, डेकोरेशन के लिए माला बनाई, माँ के चरणों के लिए माला बनाई। और आज का इतना मीठा दिन गया और हमने फिर पूजा की श्री माता जी को, 108 नाम आदि गुरु दत्तात्रेय के लेके माँ को पूजा अर्चना की, खीर का प्रसाद बनाया और आज का दिन बहुत ही अच्छा गया। रोज़ के इतने सारे चमत्कार श्री माता जी देती हैं, बस हम नोटिस नहीं करते, लिखते नहीं हैं, ध्यान में नहीं लाते, पर हर रोज़ छोटे छोटे चमत्कार हमारे साथ रोज़ घटित होते हैं। कल मैं वापस आऊँगी आपको एक और मेरे साथ होने वाला, कल होने वाला चमत्कार के बारे में बताने। जय श्री माता जी, गुड नाइट।